क्या खाएंगे? ली तो ग्रीन कलर की होती है लीना। मेरे बच्चे को अल्लाह ताला सही रखे। वो चेक तो करें क्या क्या है। वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपके भाई की तबीयत जो है ना परसों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना थोड़े आपके भाई की तबीयत जो है ना थोड़ी सी सेटमेंट हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना, घर वालों के जहन में यही है कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी है भी है और नहीं भी है, बस समझ लो चलने फिरने जगह हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूँ। तो मेरे जहन में आया क्यों ना हम इस बीमारी का फायदा उठाएं, घर में वॉन्टिंग प्रैंक किया जाए। सोच रहे तेरी तबीयत तो खराब है, उन्हें तो वाकई पता कि मेरी तबीयत खराब है, पर इतनी भी नहीं के ब्लड वॉन्टिंग प्रैंक की जाए। आहा, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मेरे से ये भी बोला भी नहीं जा रहा। तो सीन इसी तरह करते हैं, घर वालों के साथ वॉन्टिंग प्रैंक करते हैं, फिर देखेंगे उनके क्या रिएक्शन होंगे, क्या सिस्टम होगा। अभी आपके भाई को भी नहीं पता, तो फिर जैसे कोई प्लान्स बनते हैं तो मैं आपको बताता हूँ तो क्या सीन्स हैं और किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। ठीक है। 8:28 AM आपके भाई की जो है ना तबीयत जो है सच्ची में दोबारा से खराब हो गई थी। तो मामा ले गई हैं हॉस्पिटल, तो अंदर जो है स्लिप बनवा रही हैं और मैं बाहर बैठा हूँ। शोर काफ़ी आ रहा हुआ क्योंकि रोड है और मैं बाहर बैठा हूँ इधर टूल पे। ठीक है, आज का प्रैंक बहुत हैवी होने लगा, मैं अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाने लगा हूँ। देखो अब ब्लड वॉन्टिंग कर प्रैंक करना है। देखो बीमारी में उल्टियाँ तो आ जाती है बंदे को, पर खून की उल्टी पता है हराम ही हो बेटा। यहाँ तो चेकअप वगैरह करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर देखते हैं कि उधर क्या सीन्स बनते हैं और प्रैंक कैसा होता है कैसा नहीं होता। घर जाके मैं आपको सारे सीन समझाता हूँ। ओके, जो है ना मैं सो गया था, बुखार मुझे तेज़ हो गया था, अभी उठाऊँ तो अब बहुत ठीक है। ठीक है, तो अभी आपका भाई प्लानिंग के हिसाब से लेकर आया स्लेंटियाँ और स्टिंग, जिससे लगे स्टिंग से लगेगा खून है और स्लेंटी आपको पता है स्लेंटी के साथ कोई भी पानी मिक्स हो जाए तो वो कितावा सा बन जाता है। देख लो बीमारी की हालत में भी मुझे प्रैंक सोचने और आपके लिए प्रैंक लेकर आने वाला हूँ, देखने होता भी है कि नहीं। तो जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अभी तक यार आपने उनको ऐप को सब्सक्राइब भी नहीं किया ये उसका चैनल है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जाके उसे भी सब्सक्राइब मारा, वो भी बड़ा हार्ड वर्किंग कर रहा है। ठीक है, क्या क्या बोला तूने? हार्ड वर्किंग कर रहा, जाके इलाज करो। क्लास में मैंने स्टिंग भी डाल के रख ली है और पापड़ जो है वो जो स्लेंटी है वो भी रख ली है। ठीक है, तो अब शोर शोर डालते हैं और कहता हूँ मम्मा को कि मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, ये है तो वो है। तो जैसे ही फिर मम्मा आगे मुझे कुछ लेने जाएंगी फटाफट मुँह में स्लेंटी और स्टिंग डाल लूँगा और फिर एक सीधा उनके सामने कर दूँगा, फिर देखते क्या रिएक्शन होता है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो यार तो सच्ची चे हो गया। आय मम्मा इधर आइएगा। A few moments later जी बेटे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा बुखार डाउन ही नहीं हो रहा, कल से लेकर अब तक फीवर थोड़ा सारा कम होता है फिर तेज हो जाता है। डॉक्टर के पास आपने मेडिसिन ली है? नहीं अभी। यार ये तो बात बुरी है ना बेटे, मैं काम लगी थी आपने मेडिसिन तो ले ली थी, मैंने आपके पास रखी थी कि आप मेडिसिन ले लो, फिर भी नहीं ली आपने। नहीं देखो बुखार तेज हो रहा है, मैं तो कह रही डॉक्टर के पास हो जाते हैं। क्या हुआ इसको? फीवर देखो कितना तेज होता जा रहा होता है, चला जाए ना इसको ले जाए। मेडिसिन भी नहीं ना खाई इसने, एक दवा जो अब लास्ट पे खुराक रह गई थी वो ले लेता फिर और ले आते जाके। मैं पानी लेके आती हूँ ना इसको, अब भी क्या दोस्तों के साथ घूमने जाना, फट 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 उठ के भागेगा। अच्छा उधर उन्होंने मुझे बुलाया मैं नहीं गया, ठीक है ना दादा। अभी ना तंग ना करो उसे, क्या कहते तो पता है कि खराब है, इसको साथ लेके जाए। इधर बात में किधर लेके जाए,
Oh no! चले लीना ये देखो इसको क्या हो रहा है उसको लेके चले ना करना ना डराना खाया है तुमने मेरे ख्याल से अजीब सा आओ तुम ये तो ब्लड टाइप लग रहा है जैसे अंदर से क्या खाया ये क्या है जो अभी आपने दिया है मुझे बंडिया पता नहीं क्या मैं तुम्हारा दिमाग ब्रोकली चला गया मैंने ब्रोकली दी थी तो वो बंडिया कैसे ब्रोकली तो ग्रीन कलर की होती है लीना ये ग्रीन है नहीं देखो काम भी रहे नाने चला चल मेरा बच्चा आ ना मेरा बच्चा चले ना चल ना उठ ना उठो चप्पल पहना ली ना चप्पल दो भाई जी मेरे बच्चे को ला दे ना सही रख के वो चेक तो देना क्या क्या है स्ट्रिंग द स्लाइड हंस रहा है वो कुत्ता समझ नहीं आ रही आपको स्ट्रिंग द स्लाइड मार दे मार को इसी तरह ये क्या दिखा दिया मैंने आप लोगों को ओ मेरे को ओ मेरी स्लेंटियां खा रही है क्या बात है बिल्ले पुखी मम्मा रो रही है चुपरा आ गया छेती मास्क पा के मम्मा फ्रैंक मास्क पा के रो लो अच्छा रो लो पर मास्क पाकर रो लो देख रही है मामा तुम्हें शर्म है मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ इसी चीज का फायदा उठा लूं मैंने अब आपसे बात नहीं करनी क्या प्रैंक था यार मैंने नहीं बात करनी बस आप लोगों के पास में बैठा गाइस मजे की मामा चुप करने के दी तू तेज है आप तो कुछ करना नहीं होना मैं कहा मैं कर बच्चों की तरह जगह चेंज कर रही है बस नहीं बोलना ना मैंने आपसे जगह ही चेंज करनी है ओ हाय वादा अब इस रंग नहीं करूंगा प्लान वादा झूठ बोल रहा है मैं आपको पता डरी हुई आपके बाबा से लेकर अब नहीं अब नहीं बर्दाश्त होता बाहर में जाए तुम्हारे प्रैंक मजा आया क्या हो गया लीना साहब तुम्हें पता ही है ना बाबा के साथ क्या हुआ था अच्छा जी शॉर्ट्स वाली मैं बताता हूँ तो बड़ी मुश्किल से बाबा जो है हमारे रिकवर हुए थे उन्हें भी पहले यही उल्टियां छुल्टियां लगी थी एक सितम घर आए थे तो घर की खुशखबरी दी थी घर के मकान मामा के डॉक्यूमेंट मतलब मामा के नाम घर किया था वो खुशी दी है तो घंटे भर उनके डाउन थे फिर उसके बाद उनको उल्टियाँ लग गई फिर बहुत बुरी हालत हो गई 4 से 5 महीने जो हैं वो हॉस्पिटल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है उनको फिर जर्मनी भेज दिया उनका वहाँ इलाज चलता रहा अब वो इंग्लैंड है तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आपके बाबा वीडियोस में आते तो इसी वजह से वो अभी इंग्लैंड में है तो करीबन साल हो गया है
उनका पहले कितने महीने तो उनका वो चलता रहा है, ट्रीटमेंट चलता रहा है, अब वो इंग्लैंड है, इंशाल्लाह आपकी उनके साथ भी मुलाकात कराएंगे। चलो कसम से अब इस रंग में नहीं करता, अच्छा अच्छा इस तरह का नहीं अब करूँगा यार, थोड़ा सा मैंने कहा था मैं थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ तो मैं क्यों ना कर ही दूँ। मैंने बस बोलना ही नहीं है, आपको क्या लगे इन चीजों की फीलिंग्स के बारे में। अच्छा सॉरी सॉरी, अब नहीं करता वादा आपका, मेरा आपका मेरा वादा अब नहीं करता। आपकी वैल्यू हमारे आगे क्या हो गया, अगला बम फाड़ देगा ये नहीं करेगा। चुप कर रहे, हंसने वाली बात है। बिल्ले मुंह में नहीं आई। पता सजा किस चीज की मिली है, ये सच्ची में मैं बीमार होता तुम किस तरह हंस रही थी अंदर। देख रही हूँ और मैं पोटी करूं तेरे मुंह में जाए। ये वैसे प्रैंक किया किधर है मुझे समझ नहीं आई। आप लोग ही कमेंट से बताओ ये प्रैंक किस जगह रुख पकड़ा उसने, आप पे ही चीज लड़ पे। उसका रोना बनता तो अच्छा हुआ, किसी प्रैंक में रोई नहीं थी आज, कम से कम रोई तो है। अच्छा देखो, अच्छा बड़े लोग कह रहे थे मुझे कि आप लोग का फेस रिवील हो गया, फेस रिवील हो गया, ये मिरर में आपकी तस्वीर आई है, मिरर में आई है। ओ भाई साहब वो मिरर नहीं है, वो 3D स्टिकर है जिसमें अगर मुंह आ भी जाए ना तो पता है किस तरह का आता है, किस तरह इधर फेस आता है इस तरह का, किस तरह का फेस आता है इस तरह का। मोयो आ रहा ठीक है। क्या हुआ मामा? इधर भी लो जी, अब मामा से मना रही हैं। मेरे बच्चे को तुम्हारा ये सारा तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से सारा गुस्सा मैंने उस पर लिया। तुम बीमार ना होते वल्लाह, आज तुम्हें जितनी कुट पड़ती ना तो याद रखो, मेरे ऊपर ट्रांसफर तो आपने मुझे तंग किया ना। मैंने नहीं किया, किया तंग इसलिए मार पड़ी है। तुमने गलत बातें की हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बीमारी की हालत में अभी तक क्या तो कर दो। तो यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू प्रैंक इसी तरह।